हेलो दोस्तों, मैं संग यार आप लोग देख रहे हो सनी के रिएक्शन चैनल। दोस्तों भितायन द हंटर का ट्रेलर आ गया है, तो इसका हिंदी में नाम रखा गया है भितायन द हंटर, और इसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें नाम है भितायन। तो चलिए देख लेता हूँ कैसा है क्या इसका ट्रेलर, फिर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करता हूँ, 3 2 1 चालू। इस देश में लड़कियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं, लेकिन शोषण करने वालों को पूरी सुरक्षा मिलती है। उस कमीने का एनकाउंटर कर देना चाहिए। देखिए, सरकार का नाम नहीं खराब होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी कीजिए। इट वॉज अ ब्रूटल मर्डर सर। क्राइम सीन पर मिले एविडेंसेस से हम ये साबित नहीं कर सकते कि ये क्रिमिनल की आइडेंटिटी है। तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो रिजाइन करके घर पे बैठो। एक हफ्ते में एनकाउंटर करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है सर, एक हफ्ता बहुत ज्यादा है, 3 दिनों में ही डिपार्टमेंट का नाम रोशन होगा। वो एक हफ्ता बोल रहा है रजनीकांत सर, 3 दिन में एनकाउंटर करेगा उनका। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरी। जो वक्त की कीमत समझता है केवल वही कामयाब होता है। चोर को ना नकाब पहनने की कोई जरूरत नहीं, बस दिमाग ही काफी है। बीमारी की तरह होता है, उसे फैलने नहीं देना चाहिए। सर उसके पास वकीलों की फौज है। सर उसके नेटवर्क में 2000 से भी ज्यादा लोग हैं। इतनी पुलिस फोर्स वेपन्स पावर होने के बावजूद एक क्रिमिनल इतना बवाल मचा रहा है, मतलब पुलिस अपना काम नहीं कर रही। बात करने से कुछ नहीं होगा, उसे पकड़ते हैं। Injustice can only be overcome with justice, not with another injustice. अन्याय होते वक्त पुलिस के चुप रहने के बजाय कानून को हाथों में लेना गलत नहीं है जज साहब। आप मुझे किसी भी पोस्ट से निकाल दीजिए, मैं वही पुलिस वाला रहूंगा। अब उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। October 10। तो भाई ये था ट्रेलर, इंटरेस्टिंग लगा ट्रेलर देखकर कि यहाँ पे जो रजनीकांत सर रहेगा वो पूरा एकदम इनकाउंटर करेगा सबको, और यहाँ पे जो अमिताभ बच्चन सर रहेगा वो उसे रोकेगा कि आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि जज वो सेलेक्ट करेगा किसे मारना है क्या करना है, तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये सरासर गलत है, ये एक खून हो गया, ये कत्ल हो गया भाई। तो इस तरह से कुछ कहानी होगा, अमिताभ बच्चन रोकेगा उनको और वो कत्ल करता जाएगा, इनकाउंटर करता जाएगा, उसे सोचो नहीं है उससे। वो किसी भी कोई भी अगर विलन होगा जो कोई कुछ करेगा तो रजनीकांत सर डायरेक्ट उसका इनकाउंटर कर देगा। तो इस तरह का मूवी हम लोग काफ़ी कुछ देख चुका हूँ, काफ़ी मूवी देख चुका हूँ इस तरह का, लेकिन इस मूवी में क्या हम लोग को अलग देखने के लिए मिलेगा वो देखने का रहेगा जब मूवी रिलीज़ होगा। और साथ में तो अनिरुद्ध सर का म्यूज़िक है, तो वो तो बात ही कुछ अलग है उनका म्यूज़िक का, तो इसी वजह से थोड़ा एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए कि चलिए देखूँगा कि जब आएगा तो भाई क्या होता है मूवी में। तो यहाँ पर कास्टिंग तो बहुत बड़ा बड़ा है, फहद फजल, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत सर, इतना बड़ा बड़ा कास्टिंग है, लेकिन मूवी का कुछ चर्चा नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए भाई। कास्टिंग जिस तरह से लिया गया है, कास्टिंग जिस तरह से है मूवी में, लेकिन उस तरह से कुछ तहलका नहीं मच रहा है, वाव वाला कुछ मज़ा नहीं आया वहाँ पे। सेम टू सेम रजनीकांत सर को जो दिखाई दे रहा है वो जेलर वाला फील लग रहा है हमें, जेलर वाला एकदम स्टाइल, हर एक चीज़ जेलर वाला लग रहा है, तो इसलिए कुछ न्यू फ्रेश अभी तक लगा नहीं। लेकिन अभी जज नहीं कर सकता हूँ मूवी को जब तक मूवी थिएटर में लगता नहीं है, जब तक लोग देखता नहीं है, जब तक देखूंगा नहीं मूवी को, उसके बाद से पहले जज नहीं कर सकता हूँ। देखने से पहले देखूंगा, देखने के बाद फिर मालूम होगा किस तरह का है मूवी।
कि किसी भी मूवी को रिलीज़ होने से पहले जज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ जो लोग थ्रिलर में दिखाता नहीं है लेकिन थिएटर में दिखाया जाता है उस चीज़ को, तो एक्साइटेड हो जाता है भाई, लाजवाब लगता है। कि अभी मान लीजिए हमें थ्रिलर उतना खास नहीं लगा लेकिन जब थिएटर में देखता हूँ मूवी को तो फिर ये क्या चीज़ था, तो फिर मज़ा आ जाता है। तो उसी टाइप से अगर कुछ हो गया ये मूवी में तो फिर तहलका मच जाएगा भाई मूवी। तो खैर, तो आप लोगों का ऐसा लगा फटाफट कमेंट करके बताइएगा जरूर भाई कि ये ट्रेलर आप लोगों का ऐसा लगा और रजनीकांत का एक्शन कैसा लगा, वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कितना एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए वो भी हमें बताइएगा जरूर भाई कमेंट करके। और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।